सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में इन दिनों काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि अब अलादीन को भी अपने अतीत की हिंट मिल चुकी है कि बगदाद से है उसका कोई पुराना रिश्ता। इतना ही नहीं, अब तो अलादीन पूरी तरह से ये महसूस करने वाला है कि रुखसार से उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और जब वो इसे महसूस करेगा तो वो होगा बहुत ही ज्यादा इमोशनल। वो जेनू के सामने अपने इन इमोशंस को शेयर करता हुआ आएगा नजर कि वो नहीं जानता कि क्यों उसे बड़े उस्ताद में अपनी अम्मी नजर आती है। और जैसे ही अलादीन ये बात कहेगा, जेनू भी होगा बहुत ज्यादा खुश और वो अपने भाई अलादीन को लगा लेगा गले। यानी यहाँ पर एक इमोशनल सा सीक्वेंस आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। जब अलादीन होगा बहुत ही ज्यादा परेशान, वो रो रहा होगा, वो उलझन में होगा, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहता है लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो किस तरह से अपने अतीत का सच पता लगाए। वाले एक तरफ जहाँ ये सारा ड्रामा होगा तो दूसरी ओर बता दे कि अब जफर भी बना रहा है अपनी फौज। जी हाँ, अब तालीम घर के सभी बच्चों को अपना सिपाही, अपना फौजी बनाएगा जफर, लेकिन कोई एक ही बन पाएगा उसका पक्का शागिर्द। अब यहाँ पर जफर उन बच्चों के साथ बातचीत करता हुआ आएगा नजर और उन्हें कहेगा कि वो सब उसके फौजी हैं, लेकिन कोई एक ही उसका पक्का शागिर्द बनेगा। अब वो कौन होगा यही देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। क्या वो शिफान होगा, अलादीन होगा, कोयल होगी, या फिर कोई और होगा जफर का पक्का शागिर्द होगा क्या, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते रहिए सब टीवी पर अलादीन नाम तो सुना होगा।